अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ सब घर खैरियत से होंगे। और आज ये हमारी वीडियो शुरू हो रही है जी। वीडियो शुरू करने से पहले ये देखिए जी, आरिश आपको करेगा सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी पे है, गाड़ी चला रहा है, घूम घूम कर रहा है। देखिए जी फसी और जयान, फसी रियान के पास चलते हैं। फसी रियान क्या कर रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं। काम शाम हो रहे हैं, इधर कुछ इन्होंने कुछ किया हुआ है, घंटे शेंटे लगाए हैं। उसको क्या ग्रेंड किया हुआ है, इसको इसमें क्या ग्रेंड किया हुआ है? अंडे, दूध और ये है मैदा। ये आशी कुछ बनाने लगी है रेसिपी, तो चले जी। केक केक। और इधर दाल निकाली है और चिकन धोया हुआ है, तो प्याज श्याज काटे में ये कर रही हैं जी। खाने शाने का काम, कढ़ाई रखी हुई है चूल्हे पे और देश का भी रखा हुआ है। कुछ बनाने लगे हैं चीज़ें चीज़ें जैसे जैसे बनाते हैं। चले जी जो जो बनाएंगे साथ साथ हम आपके शेयर करेंगे क्या क्या बना रही हैं ये। इधर मैदा शैदा दही शेही भी लाया हुआ है, कुछ बनाने लगी हैं ये। तो जो जो बनेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्या क्या बना रही हैं। कोई ये तो कोई मुझे कोई रेसिपी लग रही है, मुश्किल सी कोई रेसिपी है मुझे लग रही है, क्या बना रही हैं। चले जी आप देखना साथ साथ क्या हो रहा है। ये हो गया तैयार हो रहा है जी, इसका केक का मसाला बन रहा है। काट केक का बैटर तैयार किया जाए, बैटर ही तैयार किया जा रहा है केक का। इधर इसमें उसने अंडा, दही है, दूध, अंडा दूध था, अंडा डाला था, दूध, ऑयल वगैरह ये इसने ग्राइंड करके रखा था। तो ये इसका तैयार हो रहा है, जैसे ये तैयार होगा मसाला सारा केक का बैटर तैयार हो जाएगा। तो ये इसे देसी में डाल दिया गया है, तो देसी में डाल के अब इसको हम रखेंगे देसी में। अभी इसको तैयार हो रहा है, पति में भी कराया दिया गया है। तो मसाला का सारा बटर केक वाला अभी ये तैयार हो गया है। अच्छा जी, ये देखते पे ये देखें डाल दिया देखते में डाल दिया गया है। तो अभी हल्की आंच पे जो है ना रख दिया गया, जिसको दम पे लग गया खाली देखता है वो बिल्कुल हल्की आँच रखेंगे। इसको पकेगा कितनी देर पकेगा जी? अभी जो तैयार होने लगा है जी, उसके लिए नान के लिए आटा छाना जा रहा है। आटा और नान, ओ मैदा नान के लिए जा रहा है। नमक, नमक के बाद और अंडा फैन, अंडा देखें जी यही क्या हो रहा है। ये आटा क्या हो रहा है? आटा बहुत अच्छी तैयार करके रखी गई है, अभी ये आटा गूंदा जा रहा है नान के लिए। ये बनेंगे, ये भी तैयार होता है अभी। और ये इन्होंने मसाला कोई डाला है, हैं ईस्ट मसाला है जी, ईस्ट मसाला डाला गया है। और ये अभी केक पकना शुरू हो गया है, केक को हल्के हल्के जो फूलना शुरू हो गया है, उसको अभी कुछ देर और रखेंगे। अच्छा बनाई है केक जी, बन रहा है अभी। अभी भी इसको तैयार अभी नहीं हुआ, अभी ब्राउन हल्का हल्का होना शुरू हो गया है। जब ये फूल ब्राउन हो जाए, पक जाए तो फिर इसको हम देख कर निकाल देंगे। और इसको मसाला भी तैयार, ये साथ साथ चिकन बना है, साथ ये भी तैयार है, सालन भी तैयार है और तैयार है। बाकी बनेगी रोटियाँ आ गई है जी, बाकी जी बनेगी रोटियाँ। क्योंकि रोटियाँ हमारे जो मेहमान है ना वो रोटी खाते हैं, वो सालन वो क्या नाम है चावल नहीं खाते, इसलिए चावल हम बना ही नहीं गए, सिर्फ रोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे। तो मेहमान अभी आ रहे हैं, मेहमान तो अचानक ही आए, अचानक ही मैं प्रोग्राम बना है मेहमानों का आने का। तो चलें जी वो आते हैं मिलते हैं, क्योंकि वह आशी लोगों फंसी लोगों से मिलने आ रहे हैं, फंसी रियान रियान से। तो फंसी का कोई तबीयत ख़राब थी तो फंसी का पता करने आ रहे हैं। तो चलें ठीक है जी, मिलते हैं।
सब आते हैं तो उसके बाद उससे पहले मैं आपकी चीज़ों के लोग दिखा भी दी है तो निकालेंगे तो फिर दिखा दूँगी। नान का आटा गूंदा हुआ था तो अभी पेड़े बनाने शुरू किए मैंने, नान के नान तैयार होने लगे हैं, यहाँ पे चीज़ें चीज़ें सारी तैयार हुई हैं। ये इधर हो गया जी सलाद वगैरह तैयार, चटनी तैयार, तो चले नान साथ साथ बनते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी नान जैसे ही तैयार होते हैं। पेड़े तो बन चुके हैं, अब ये बनाएंगी। अच्छा मैंने समझा है कि केक अभी निकलेगा तो केक हो गया तैयार, अभी इसको निकालेंगे बर्तन में फिर इसको चेक करेंगे। इसको खोल रहे हैं, देखिए से निकाल दिया है, अब ये बनेगा। ये हमारे मेहमान आ गए, ये जी आ गए, मिलियाँ मिलियाँ हो रही हैं। ये नान बन गया। हाँ जी कैसे बना रही है, चेक करते हैं। अच्छा टेस्ट अच्छा है, अब टेस्ट चेक करते हैं कैसा है। चेक करते हैं मज़े के हैं, फिर बाकी बनते हैं। नान भी तो तैयार हो गया, और नान नहीं जी सॉरी केक, ये भी तैयार हो गया। सालन खाना छाना जी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया सब ने, खाना खा के हो चुके हैं हर एक। तो पहले मुझे वीडियो बनाने का याद ही नहीं रहा, बस लस्सी भी थी तो चलेंगी। दुकान का ड्रेस हो गया चेंज। अच्छा तो और इन्होंने तैयारी भी पकड़ लिया जाने की, शूज वगैरह पहन रहे हैं, और इधर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं दो कार्टून देख रहे हैं। तो रूहान हो गया तैयार, उसके पापा उसको तैयार कर रहे हैं, और खाना छाना इन्होंने खाया है लेकिन चाय वगैरह नहीं पी रही। चाय कहते हैं आगे जाके किसी और घर तो में जाएंगे, उधर जाके चाय पिएंगे। चलो इनको भेजते हैं, इनको टाटा बाजार करते हैं। इधर बर्तन शर्तन धोए जा रहे हैं, बर्तन शर्तन जो संभाल लिए धो लिए इन्होंने, चाय रखी थी तो चाय इन्होंने बनाने नहीं दी, पानी पड़ा हुआ, चूल्हा बंद करवा दिया है, कहते हैं कि नहीं बनाओ चाय, चाय जाके आगे पियेंगे। हाँ जी ये बंदे इधर बैठे हुए थे, एक बंदा उठ के चला गया है, बाकी एक बंदा ये बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, एक ये है, बात करो सामना कर लो। हाँ उनसे दूर दूर से मिलाया है, उनसे सबको दूर दूर से मिलाया है। एक रात तुमसे हूँ तो थोड़ी तुमसे थोड़ी सी बातें शातें करवा लेते। कुछ लोग बात भी नहीं ना करना पसंद करते। कुछ लोग तो बात भी नहीं करना पसंद करते, वो शर्माते हैं। तो चले गुफरान साहब आप कुछ कहेंगे, सलाम दुआ कुछ करनी है। चलो इसने भी सलाम दुआ कर ली है। ये आ गई है अशरा मामू चाचू के पास, शाम उठ के आ गया है, इसने अशरा को उठा लिया है। अशरा किधर किधर लेटी है, किसके पास बैठी है, हैं? ये देखिए जी ये हमारे मेहमान हो गए हैं तैयार, बैग शक पकड़ लिया है। उधर जो है रूहान है, रूहान क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा ये केक चेक कर रहा है जी, ये निकल गए हैं बाहर। रूहान और रूहान के पापा काफी। चलो जी इनको रुख्सत कर देते हैं, गली गाड़ी थोड़ी सी दूर अगली गली में है। क्या कह रहे हैं बाबा, रूहान बाबा का बिद्दू क्या कह रहे हैं?
चलें जी, ये गाड़ी इनकी इधर खुली पड़ी है, लाइटें शाइटें जली हुई हैं। चलें जी, इधर सामान शामान रख दिया है और बैठ गया इधर रोहान के पापा। ये बैठ गया रोहान भी, चलो बैठ, चलो बैठ जाओ, चलो रोहान ऊपर हो जाओ। चलो जी, इनको बिठा दिया गया बैठ के। चलें जी, गाड़ी निकलने लगी है अभी। ले रही हूँ आपको भी ब्लॉग में, ले रही हूँ आज। हाँ जी, आपका नाम क्या है? राफे। अच्छा जी, वाह भाई, ये तो सही चलाता चला। ठहरो, इसको एक्सपीरियंस दिखाने दो पहले। चलो, शशि साहब इधर टैल टोल रहे थे। चलिए, हैं किस चीज की? चलो जी, मेहमान आए आके चले भी गए, बाकी का टाइम काफ़ी हो गया है, रात के बज चुके हैं 10:15 हो चुके हैं। तो अभी इस ब्लॉग का इधर ही करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आरिश शायद बाहर मसरूफ है। आरिश किधर है? अल्लाह हाफिज़ बोल दो, अल्लाह हाफिज़ बोल दो, अल्लाह हाफिज़। और दादा अबू के आगे बैठा हुआ है, उधर से कर रहा है, लेटा हुआ है बल्कि वो बैठे में, तो ये लेटा हुआ है।